विंटर सीजन में मसाला चाय को कोई मना नहीं कर सकता। इसे बनाने के लिए मैंने जल्दी से एक कप पानी एक बर्तन में डाला है, जिसमें डाला है मैंने थोड़ा सा अदरक कूटकर, दो लौंग, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और एक हरी इलायची को कूटकर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे, जिसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती, आधा चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक। नमक डालना मत भूलिएगा, इससे सर्दी में आपका गला बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 1/4 कप मिल्क, अच्छे से एक उबाल आने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर करके 5 मिनट तक बॉईल होने दीजिए। और हाँ, जो साइड्स पे ये चाय पत्ती लग जाती है ना, उसे आप निकाल कर मिक्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चाय को कड़क बनाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपने रोड साइड पर चाय बनाने वालों को भी करते हुए देखा होगा। तो 5 मिनट के बाद हमारी चाय को एक बहुत अच्छा कलर मिल चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। कड़क मसाला चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। हैप्पी विंटर सीजन।